हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खेतीबाड़ी। आइए आज हम आपको दिखाते हैं महिंद्रा 275 DI जो इस वक्त अभी ये चल रहा है। ये काफ़ी बादल भी हैं यहाँ पे। हम इस वक्त अभी सोयाबीन की बवनी कर रहे हैं। ये उस वक्त का टाइम है जहाँ बहुत से टाइम में धान की बवनी की जाती है और इस वक्त बहुत सी जगह पर सोयाबीन भी बोया जाता है। तो हम अपने यहाँ पर थोड़ी पानी की कमी होने की वजह से सोयाबीन बो रहे हैं। धान में एक्चुअली काफ़ी पानी का इन्वेस्टमेंट रहता है, इसलिए आप देख रहे हैं हम ये सोयाबीन की बवनी कर रहे हैं और काफ़ी गीली है ज़मीन। आप देखेंगे ट्रैक्टर के टायर भर रहे हैं और क्योंकि नौइयत इस टाइप की है कि मौका ही नहीं मिल रहा है बारिश की वजह से और टाइम निकलता जा रहा है, तो हम वक्त की नज़ाकत को देखते हुए काफ़ी फास्ट और इतना पर्टिकुलर भी नहीं देख रहे हैं खेत के लिए का, बिल्कुल आराम से चले ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हम काफ़ी स्पीड में चलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इसमें इसी खेत में जॉन डियर 53 से हमने प्लाव किया था, उसे हमने समतल करने के बाद अब सोयाबीन की बोनी हो रही है जिसे बीज उपचारण कहते हैं। आप ये देख रहे हैं टायरों में किस तरह से मिट्टी लगी है। ये 9 टांस का सीड ड्रिल है और इसके पीछे डुड़िया डालना पड़ती है। एक्चुअली क्या ये आप देख रहे हैं बीज, ये इतने फासले से डला हुआ है यहाँ पे। ये सोयाबीन का बीज है, ये ऊपर ही ऊपर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि अगर बारिश हो भी जाती है तो उससे ज़्यादा दबता नहीं है ये, क्योंकि ये प्लाव का खेत है। अगर हम इसे थोड़ा नीचे करेंगे तो ये बीज ख़राब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और एक प्लस पॉइंट, एक थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है उसमें। तो हम ये बवनी कर रहे हैं इस वक्त सोयाबीन की और आप देख रहे हैं हम ये बीज भरने जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सोयाबीन का बीज है। मशीन आप देख रहे हैं ये इतनी खुली हुई है, आधा इंच ही है ये, और इसकी जो ये एडजस्टेबल रिले से इसकी जो पल्लाड़ी हैं ये बिल्कुल सेट हैं। ये आप देख रहे हैं थोड़ा बीज कम है, इसलिए हम हमारे आरिफ भाई है जो बीज भर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बीज उपचारण किया था, थोड़ा सही से नहीं हो पाया इसलिए धूल उड़ रही है उसमें। तो दोस्तों किसी भी तरह का आपका कमेंट्स हो इस बोनी से रिलेटेड तो प्लीज़ अपनी भी राय दें, कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि हाँ कुछ फॉल्ट है इस बवनी में वो भी बताएं। और मोटिवेशन, क्योंकि ये यूट्यूब पे हमारा भी नया चैनल है और खेती से रिलेटेड एक्चुअल क्या होता है बहुत कम आपके लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी मदद करें और हमें भी उससे मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ दोस्तों अपने कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार दें चैनल के लिए।